तो यहाँ से देखेंगे आप, ये लेफ्ट साइड पे एक रूट है, ये जा रहा है अजीज भट्टी यादगार की तरफ, ये रोड जो सोलर के ऊपर होंगी, और जो अभी इंशाल्लाह जैसे ये कारपेट, ये लेफ्ट वाला जो काम मुकम्मल हो जाता है, तो फिर इस पे स्ट्रीट लाइट के पोल इंशाल्लाह लगाना शुरू हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स की तरफ से ये नई रोड बनाई जा रही है, तो ये इसमें हम ये बार बार सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज क्लाइंट्स को, इसमें वेट ना करें किसी भी आप चीज़ का, क्योंकि अभी इस वक्त बेहतर है। हमारे ये लॉन्चिंग प्राइस चल रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है वो कितनी फास्ट होती है, हम बुकिंग से पहले डेवलप कर देते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स जी, आज हम एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं एग्जेक्टिव लॉजिस के बारे में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एग्जेक्टिव लॉजिस की लोकेशन ये DHA फेज 7 CCA4 के बिल्कुल अपोजिट 1000 से 1200 मीटर के बाद है, और ये BRB से पहले है, और इसका जो रूट्स है वो अगर आप DHA फेज 7 के अंदर से आते हैं, बरकी रोड पे एग्जिट करते हैं, तो बिल्कुल उसके अपोजिट सामने एक रोड जा रही है अजीज़ भट्टी यादगार की तरफ, और ये पॉइंट है कादराबाद, और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो तकरीबन यहाँ से आपको कोई 1000 से 1200 मीटर के बाद एग्जेक्टिव लॉजिस का गेट होगा। तो अब हम आपको ये साइट्स के ऊपर जाके विज़िट कराते हैं कि वहाँ की इस वक्त जो है वो अपडेट क्या हैं, और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, और क्या चल रही हैं। जी जी वीवर, तो जैसे मैंने बात की थी कि DHA फेज 7 की जो CCA4 से एग्ज़िट है, ये यहाँ से जो है एग्ज़िट हो रही है DHA फेज 7 से, और ये सामने बरकी रोड है आपके, और ये कादराबाद स्टॉप है, और यहाँ से अभी हम यू टर्न लेके टूवर्ड एग्जेक्टिव लॉजिस जा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये लेफ्ट साइड पे एक रूट है, ये जा रहा है अजीज भट्टी यादगार की तरफ, ये रोड, और ये वाली रोड जा रही है सीधी एग्जेक्टिव लॉजिस पे, यहाँ से कोई 1200 मीटर है तकरीबन। ये रोड अभी इसलिए नहीं शुरू हुई है, यहाँ पे पुली बनी है और इसका कुछ डेवलपमेंट का काम बाकी है, ये नई सड़क बनी है इस वजह से। हम बात कर रहे थे जो हमारी नई अपडेट है एग्जेक्टिव लॉजिस की, देखें कि ये जो रोड जा रही है बरकी रोड से जो एग्जेक्टिव लॉजिस की तरफ जा रही है, जो 1200 मीटर का पैच है, और ये BRB के साथ साथ रोड जा रही है, और ये सरकारी रोड थी 10 फुट की, और काफ़ी डैमेज रोड थी ये, तो इस पर हमने ये डिवेलपमेंट का काम स्टार्ट किया है। एग्जेक्टिव लॉजिस प्रोजेक्ट की तरफ से ये नई रोड बनाई जा रही है। ये लेफ्ट पे आपने देखा कि हमें कुछ 3-4-5 फुट का स्पेस मिला है, तो ये 5 फुट तकरीबन 6 फुट बनता है ये, तो ये इसकी पुरानी मिट्टी निकाली जा रही है और यहाँ पे फिलिंग की जाएगी, और ताकि इसके ऊपर नई कारपेट रोड बनाई जा सके, और ये नई मिट्टी डालने के बाद इसकी प्रेसिंग होगी फिलिंग के बाद, और फिर इसके ऊपर जो है नई कारपेट बनाई जाएगी, और ये हार्डली हमारा कुछ 2.5-3 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, और ये रोड भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। ये 30 फुट वाइड तकरीबन रोड हमारी बन जाएगी, दोनों साइड से हमें 1-1.5 फुट का हमें BRB की तरफ स्पेस मिली है, और लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम स्पेस मिलने के बाद हम इसको वाइड कर देंगे,
और ये जब वाइड होगी तो हार्डली बर्की रोड तक आपका जो है वो 1 मिनट की ट्रेवल होगी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि ये 1200 मीटर कोई इतनी जो है वो स्पेस कोई फासला नहीं है कि जो आप गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो 1 मिनट में ये ट्रेवल होती है। और अगली बात ये है कि हम इसके ऊपर इस रोड पे स्ट्रीट लाइट भी इंस्टॉल करेंगे जो सोलर के ऊपर होंगी, और जो अभी इंशाल्लाह जैसे ये कारपेट ये लेफ्ट वाला जो काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर इस पे स्ट्रीट लाइट के पोल इंशाल्लाह लगाना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाके डेवलपमेंट बताते हैं कि हमारी हार्डली 1 से 1.5 माह के अंदर कितनी प्रोग्रेस है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंशाल्लाह 3 माह के अंदर प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। जी आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे दीवार है, ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से बर्की रोड जो है वो को तकरीबन 800 से 900 मीटर है, और ये मजीद आगे यहाँ से हमारा 200-300 मीटर के बाद हमारा जो है वो गेट है, मेन गेट इस प्रोजेक्ट का। तो ये देखें अभी आप, ये जब रोड कम्प्लीट होगी तो बहुत खूबसूरत यहाँ क्या होगा, और एक नेचुरल इन्वायरमेंट है यहाँ पर। ये राइट साइड पे साथ साथ BRB जा रही है और यहाँ पे हमने काफ़ी मेंटेनेंस का काम कर लिया है। ये राइट साइड पे आप देखें दरख्त और झाड़ियाँ काफ़ी जो है ना वो काटी जा चुकी हैं जो बिल्कुल रोड के ऊपर आई हुई थी, और ये हमारा जो है वो एंट्रेंस है मेन एग्जीक्यूटिव लॉजिस का। ये इसकी आप जो देख रहे हैं ये 50 फुट वाइड रोड है, दोनों साइड पे इसके ट्रीज डिफरेंट किस्म के लग चुके हैं, इसमें पावर लाइंस इसमें लग चुकी हैं, अब इसमें स्ट्रीट लाइट इंशाल्लाह जो है ना करीब शुरू हो जाएंगी। जी आप जो देख रहे हैं ये देखें कि आप इसकी तमाम जो सेंट्रल इसकी रोड्स हैं दोनों साइड पे कंप्लीट ट्रीज लग चुके हैं, और अब सिर्फ इसको हमने बाहर वाली मेन रोड का जैसे काम कंप्लीट होगा फिलिंग्स का तो इसको भी कारपेट करेंगे और उसको भी एक ही टाइम में सबको कारपेट किया जाएगा। और ये राइट लेफ्ट जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी प्लॉट्स हैं सारे, रेडी टू पोजेशन, और अब सिर्फ स्ट्रीट लाइट हमारी 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएंगी। और ये लेफ़्ट साइड पे देखें आप, राइट लेफ्ट इसकी तमाम बाउंड्री वॉल्स कंप्लीट है, और ये लेफ़्ट साइड पे आगे तक हमारा ये प्रोजेक्ट जा रहा है, तकरीबन ये कोई 500-600 कनाल के ऊपर तकरीबन जो है वो प्रोजेक्ट होगा स्टार्टिंग में, और फ्यूचर में इंशाल्लाह एक्सटेंशन इसमें एक्सटेंशन के लिए पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। जी तो इसकी वाइड रोड्स हैं ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत आम तौर पे आपको फार्म हाउसेस में ऐसी वाइड रोड्स नज़र नहीं आती हैं, जो एक स्टैंडर्ड साइज चल रहा होता है वो बहुत मिनिमम सा साइज होता है रोडों का, और ये हमने बहुत वाइड रोड्स रखी हुई हैं। जी तो आज हम विज़िट करने के लिए एग्जीक्यूटिव लॉजिस पे जो है अब हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने रूट्स के बारे में कुछ बताया था, हम साइट के ऊपर खड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये हमारी जो है ना सेंट्रल बुलीवार्ड है, यहाँ की ये जो 50 फीट वाइड रोड्स है और साइडों पर इसके 10-10 फुट की ग्रीन बेल्ट है, और उसके साथ इस पर ट्रीज लगे हुए हैं, और इस पर अभी अनकरीब इंशाल्लाह इस पर स्ट्रीट लाइट भी इंस्टॉल हो जाएंगी। आप मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं बाउंड्री वॉल आपको एक लंबी सी नज़र आएगी, इस बाउंड्री वॉल के पीछे बैक पे बिल्कुल रोड्स हैं, और रोड के सामने जो ऊंचे ट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं ये मेन BRB कैनाल यहाँ से जा रही है, और ये इसके अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर हमारा यहाँ से मज़ीद पीछे 300 मीटर तक जो है ना प्रोजेक्ट जा रहा है टूवर्ड बर्की रोड, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे चार कनाल की कटिंग्स हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं अभी लेफ्ट पे आ रही है, और मेरे बैक पे आप देख रहे हैं ये भी इसका सेंट्रल बुलीवार्ड से एक राइट साइड पे रोड टर्न कर रही है, और मेरी बिल्कुल बैक पे अगर आप देखें और तो यहाँ आप पीछे देखेंगे आपको एक बाउंड्री नज़र आएगी, बाउंड्री वॉल वो भी हमारी लेफ्ट वाली बाउंड्री वॉल है,
और ये सेंटर में रोड के दोनों साइड पे आप ट्रीज देख रहे हैं और राइट्स पे जो है वो बीआरबी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी कटिंग्स हैं इस एरिया में हमारे पास 3 कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं और कुछ प्लॉट्स जो हमारे पास मैक्सिमम 2 कनाल की कटिंग्स हमने यहाँ पे दी हुई है। और जो मैंने पहले लेफ्ट बताया था वहाँ हमारी 4 कनाल की कटिंग्स हैं और यहाँ मेरी जो बैक पे दोनों साइड पर आप देख रहे हैं रोड के यहाँ पर 2-2 कनाल की हमने कटिंग रखी है। अभी हमने क्योंकि फार्म हाउसेज में आमतौर पे जो कटिंग होती है स्टैंडर्ड साइज 4 कनाल और 8 कनाल का होता है, यहाँ हमने 2 कनाल इसलिए रखी है कि मैक्सिमम प्लॉट्स के ये हमारे बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम आती है कि जी हमें 2 कनाल में प्लॉट्स चाहिए और ये हमने इसमें ज़्यादा इसलिए रख दिए हैं कि ये DHA के बिल्कुल क्लोज है और यहाँ से हार्डली 1000 से 1200 मीटर तकरीबन DHA फेज 7 से ये है। तो फ्यूचर में लोग यहाँ पे आमतौर पे अपनी रेजिडेंस को रखेंगे जो कि फार्म हाउस में तो ये होता है ना कि लोग वीकेंड वेकेशंस पे आते हैं और यहाँ लोग रेगुलर जो है रखना चाहेंगे अपनी रेजिडेंस को। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से आप DHA की स्कूलिंग अवेल कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है कमर्शियल को अवेल कर सकते हैं। तो और ये फिर हमारा एक काफ़ी ह्यूज साइज़ का जो है एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ी अगर पीछे तक एक्सटेंड हो सकता है और पीछे जाएंगे आप तो मज़ीद वहाँ पे DHA फेज 7 इसको फेज 8 का Z ब्लॉक इसको टच कर जाता है। तो ये मतलब इसका सराउंडिंग बड़ा बेहतरीन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप इसको देखते हुए हम आपने सजेस्ट करेंगे अपने तमाम क्लाइंट्स को कि फौरी तौर पे इसमें प्लॉट्स को बुक करें। और ये अभी क्योंकि 2023 में जैसे मार्केट ने थोड़ा स्टेबल होना है, बेहतर होना है, तो इसमें फौरी तौर पे जो है ना प्लॉट्स के रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि अभी हमारे जो रेट्स हैं वो यहाँ पे हमारी जो बुकिंग चल रही है 1.10 करोड़ पर कनाल के हिसाब से बुकिंग चल रही है और जैसे हमारी ये डेवलपमेंट कम्प्लीट होगी तो यहाँ पर रेट्स जो है वो कुछ 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। तो अभी आप देखें कि बड़ी फास्टली जो है हमारी डेवलपमेंट हो रही है और इंशाल्लाह ये अगले 2 से 3 माह में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसमें हम ये बार बार सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज़ क्लाइंट्स को, इसमें वेट ना करें किसी भी आप चीज़ का क्योंकि अभी इस वक्त बेहतर है। हमारे ये लॉन्चिंग प्राइस चल रहे हैं, इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं जितने भी प्लॉट्स करना चाहें, अपने लिए करना चाहें, इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहें, तो ये बेहतरीन मौका है इसके लिए। जी जी, तो अभी मैंने आपको अभी तक की यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हमारी यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। हम हर महीने बाद आपको कुछ ना कुछ आगाह करते रहते हैं अपनी डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो कितनी फास्ट होती है। हम बुकिंग से पहले डिवेल्प कर देते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को। तो ये अभी तक की ये डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद आपको 20-25 दिन या महीने के बाद जब इसमें मज़ीद डेवलपमेंट हो जाएगी तो फिर लेके आपके लिए हम एक नई वीडियो हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।